अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास 7 के लेक्चर नंबर 33 के साथ, जिसमें आज हम आपको एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे। सबसे पहले अब अपने पेज बुक का पेज नंबर 79 ओपन करेंगे। बुक का पेज नंबर 79 बिल्कुल फ्रंट पेज का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। मैं पहले आपको रीड करके बताऊंगी और उसके बाद मैं उसको आपको बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगी। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ बेकरी द रेशियो ऑफ द सेल ऑफ ब्रेड टू एग्स इज 2:3। अब तक जो हम क्वेश्चंस करते आए थे इस एक्सरसाइज के, उसमें हमें ऑलरेडी 2:0 दे दी गई थी, मगर यहाँ पे 2:0 तो दे रहा है, मगर वो आपको स्टेटमेंट में दे रहा है। ठीक है, पहले एक्स वाई जी की वैल्यू एबीसी की वैल्यू की फॉर्म में आपको रेशियोज देता था, अब आपको एग ब्रेड मिल्क इस तरह की क्वांटिटीज को लेकर वो आपको रेशियो की वैल्यू देगा। कहता है द रेशियो ऑफ द सेल ऑफ द ब्रेड टू एग्स इज 2:3, यानी कि ब्रेड और एग्स की रेशियो क्या है, ब्रेड रेशियो एग इज इक्वल टू 2:3 एंड द सेल ऑफ एग्स टू मिल्क, और एग रेशियो मिल्क की जो रेशियो होगी वो होगी 3:1। फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ ब्रेड एग्स एंड मिल्क। तो आपने रेशियो फाइंड करनी है कि इनके दरमियान में, ब्रेड एग्स और मिल्क के दरमियान में। स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कि स्टेटमेंट से पढ़ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, मगर इट्स सो इजी, वही मेथड है। सिर्फ आपने करना क्या है, अपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है और उसमें से 2:0 की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ 2:0 की वैल्यू। सबसे पहली रेशियो जो बन रही है वो मैंने आपको बताया ब्रेड और एग के दरमियान बन रही है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे ब्रेड रेशियो एग, ब्रेड रेशियो एग्स इज इक्वल टू 2:3। ओके, हो गया। फर्स्ट रेशियो आपके पास ये आ गई। सेकेंड रेशियो की बात करें अगर हम, तो वो आपके पास होगी एग्स टू मिल्क, यानी कि एग्स रेशियो मिल्क इज इक्वल टू 3:1। ठीक हो गया। जैसे हमारे पहले क्वेश्चन में हमारे पास 2:0 होती थी, तो हम उन 3 वैल्यूज की, जिसमें से एक क्वांटिटी रिपीट होती है, कंटिन्यू जिसको हम रेशो कहते हैं, हमने उनको फाइंड करना है। देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ब्रेड एग्स एंड मिल्क। ब्रेड जो आपने फाइंड करना है वो आपके पास है ब्रेड रेशियो एग्स रेशियो मिल्क, आपने ये फाइंड कर। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से हम पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, हमने उसी तरह से करना है। क्या लिखेंगे, ब्रेड एक तरफ लिख देंगे, ब्रेड रेशियो एग्स रेशियो मिल्क जो आपने फाइंड करना है उसको आपको इस तरह से लिख लेंगे, और अब इनकी वैल्यूज लिख लेंगे किस तरह से। फर्स्ट रेशो में ब्रेड की वैल्यू आपके पास है 2, फर्स्ट रेशो में ब्रेड की वैल्यू है 2, सो मैंने ब्रेड के नीचे लिख दिया 2। अब है रेशो, रेशो के नीचे रेशो लगा दे, फर्स्ट रेशो में एग्स की वैल्यू है 3, सो मैं एग्स के नीचे लिख दूंगी 3। अब आप चलेंगे नेक्स्ट रेशो की तरफ, जब नेक्स्ट रेशो की बारी आएगी तो उसकी वैल्यूज आपने नेक्स्ट लाइन में ही मेंशन करनी है। यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंड रेशो में एक्स की वैल्यू है 3, एक्स वो है जो कंटिन्यूड रेशो है क्योंकि वो रिपीट हो रहा है दोनों रेशो से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ गए हैं, एक्स की वैल्यू अगेन से 3 है, रेशो की जगह रेशो, और मिल्क की वैल्यू आपके पास सेकेंड रेशो में क्या है 1। लाइन लगा दी, मैंने आपको एरो लगा के दिखाए थे किस तरह से
ये वाली वैल्यू आपकी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहीं से नेक्स्ट एरो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको लिखना है किस तरह से है, हमेशा पहले एरो की टेल वाली वैल्यू लिखते हैं और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एरो की हेड वाली वैल्यू से। ये एरो की टेल है, ये एरो का हेड है, एरो की टेल में 2 है, उसको मल्टीप्लाई करो एरो के हेड से, 3 है। फिर रेशो आ जाता है, रेशो लगा दे। अगेन नेक्स्ट एरो, टेल की वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई करो हेड की वैल्यू भी 3। अगेन रेशो, टेल की वैल्यू, नेक्स्ट एरो की टेल वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई करो हेड वैल्यू 1। अब आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, रेशो 3 3 जा 9, रेशो 3 1 जा 3। मैंने आपको कहा था कि सॉल्व करने के बाद आपने देखना है कि आपकी जो रेशो की वैल्यूज है क्या वो मजीद सिंप्लीफाई हो सकती है। तो कैसे पता चलेगा, 6, 9 और 3 ऐसे डिजिट हैं जो किसी एक टेबल में आते हो। बिल्कुल, 3 एक ऐसा टेबल है जिसमें 6 भी आता है, 9 भी आता है और 3 भी आता है। सो आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3, क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3। अब 3 2 6, 3 2 6, 3 के टेबल में 6, 2 भी आता है। रेशियो लगा दे, 3 3 9, 3 के टेबल में 3, 9 भी आता है। रेशियो लगा दे, 3 के टेबल में 3, 1 भी आता है। सोच के लगा लेते 1। रेशियो में जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आप उसके ऊपर क्रॉस का साइन नहीं लगाते, कट नहीं करते, उसके नीचे नीचे उसका आंसर लिखते जाते। अब ये आपका फाइनल आंसर है, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा मजीदी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 2 3 और 1 किसी भी एक टेबल में नहीं आ सकते। सो ये आपका फाइनल आंसर है। ब्रेड की वैल्यू आपके पास आई 2, एग की वैल्यू आपके पास 3 और मिल्क की वैल्यू आपके पास आई 1। ठीक है, होप्स आपको काफी चीजें समझ आ गई होगी। साथ में आपको डायरी में डू होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 5 को आपने होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है और इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अपने लेक्चर्स को हैंड फ्री लगा कर सुना करें, बिकॉज उससे ज़्यादा क्लियर आपको वॉइस आएगी। बहुत सी स्टूडेंट्स को ये इशू था कि हमें वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आती है, मगर काइंडली आप अपने मोबाइल के वॉइस को फुल किया करें और उसके बाद हैंड फ्री लगाकर अपने लेक्चर को सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।